गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे वी आर गोइंग टू डू अवर एब्सोल्यूट मैथमेटिक्स क्लास फोर्थ एक्सरसाइज 6.12। वर्ल्ड प्रॉब्लम सम है। फर्स्ट है, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड 64 एंड 80 कम्प्लीटली। हमें वो ग्रेटर नंबर फाइंड करना है, ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करना है जो 64 और 80 को कम्प्लीटली डिवाइड करे। अब देखो HCF की फुल फॉर्म क्या होती है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और LCM की लीस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसमें ग्रेटेस्ट और हाईएस्ट दोनों का मीनिंग सेम है, तो हमें क्या निकालना है, फर्स्ट में HCF किस किस का, हम 64 और 80 का HCF फाइंड करेंगे। हम लिखेंगे एक्सरसाइज 6.12 क्वेश्चन फर्स्ट, फाइंड द फिर डैश डैश कम्प्लीटली। क्वेश्चन को हम ऐसे इस फॉर्म में लिखेंगे, फिर सॉल्यूशन लिखेंगे। देखो हमें क्या फाइंड करना था, HCF 64 और 80 का HCF। तो 64 और 80 का HCF आपको फाइंड करना आता है, हमें सिर्फ उन्हीं नंबर से डिवाइड करना है जिन नंबर से दोनों कम्प्लीटली डिवाइड होंगे, या फिर जो ग्रेटर नंबर होगा उसको स्मॉलर नंबर से डिवाइड करेंगे। जैसे ग्रेटर नंबर को स्मॉलर नंबर से डिवाइड करेंगे, जो भी मेथड आपको इजी लगे आप उस मेथड से डिवाइड कीजिए। हमने यहाँ पर डिवीजन मेथड लिया हुआ है। देखो फर्स्ट 2 से डिवाइड हो जाएंगे दोनों, तो 2 3 6, 2 2 4, 2 4 8। फिर ये 2 से डिवाइड हो जाएंगे, तो हमने 2 से किया था, 2 1 2, 2 6 12, 2 2 4, 20। फिर से 2 से डिवाइड हो जाएंगे, 2 8 16 और 2 10 20। अब फिर से ये 2 से डिवाइड हो जाएंगे, 2 4 8 एंड 2 5 10। अब देखो 4 और 5 दोनों किसी भी कॉमन नंबर से डिवाइड नहीं होंगे, तो हमने इनको छोड़ दिया। तो हमारा HCF आया 2 × 2 × 2 × 2। तो हमारा HCF क्या आएगा, 2 × 2 × 2 × 2, 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16। तो हमारा HCF आया 16। अब हम लिखेंगे 16 इज द नंबर विच डिवाइड 64 एंड 80 कम्प्लीटली, कि 16 ही हमारा वो नंबर है जो 64 और 80 को कम्प्लीटली डिवाइड करता है। सेकेंड क्वेश्चन, फाइंड द लीस्ट नंबर विच वैन डिवाइड 24, 36 एंड 48 लीव्स रिमेनिंग 8 इन द ईच केस, कि हमें वो लीस्ट नंबर फाइंड करना है जो 24 और 36 और 48 से डिवाइड हो जाता है और लास्ट में क्या रिमाइंडर आता है, 8। तो हमें LCM फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, लीस्ट फैक्टर, तो LCM। तो सेकंड क्वेश्चन लिखेंगे हम बिल्कुल फर्स्ट क्वेश्चन की तरह, सॉल्यूशन LCM ऑफ 24, 36, 48। LCM फाइंड करेंगे, तो LCM में हम नॉर्मली देखो 12 के टेबल में तीनों आ जाते हैं, तो हमने 12 से डिवाइड कर लिया, 12 2 24, 12 3 36 और 12 4 48। अब आप LCM का रूल जानते हैं, हमें तब तक डिवाइड करते रहना है जब तक 1 नहीं आता नीचे। अब 2 से डिवाइड हो रहा है, देखो 2 और 4, तो हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 2, 3 डिवाइड नहीं होगा तो 3 एज इट इज, 2 2 4। अब फिर से हमने 3 से डिवाइड किया और लास्ट में 2 से, तो हमारा LCM आया 12 × 2 × 3 × 2। तो हमारा LCM आएगा 12 × 2 × 3 × 2, दैट इज 144। सो 144 वो नंबर है जिसको अगर हम 24, 36 और 48 से डिवाइड करेंगे तो वो कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा, लेकिन हमें तो वो नंबर चाहिए जो क्या हो, लास्ट में 8 रिमाइंडर बचे। तो हम लिखेंगे रिमाइंडर शुड बी 8, जो रिमाइंडर है वो 8 होना चाहिए। इसलिए हम क्या करेंगे, जो हमारे पास LCM आया है उसमें 8 प्लस करेंगे, तो हमारा आएगा 144 प्लस 8, दैट इज 152। तो जो हमारा आंसर आएगा वो क्या आएगा, 152। तो 152 वो नंबर है जिसको अगर हम 24, 36 और 48 से डिवाइड करते हैं तो हमारा रिमाइंडर क्या आएगा, 8। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 10, 14 एंड 18। स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना है, तो LCM क्या फाइंड करेंगे हम इसमें, LCM। तो फाइंड द LCM, हमें इन तीनों का LCM फाइंड करना है। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर दैट इज LCM डिविजिबल बाय 12 एंड 18, हमें 12 और 18 का LCM फाइंड करना है। लीव्स रिमाइंडर 3 इन ईच केस, और क्या होगा, हर एक केस में 3 रिमाइंडर आएगा, तो जो हमारा LCM करके आएगा तो उसमें हम क्या ऐड कर देंगे स्टूडेंट्स, 3। तो LCM आएगा, उसमें LCM में हम 3 ऐड कर देंगे।
फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर, ग्रेटेस्ट नंबर HCF दैट विल डिवाइड 63, 35 एंड 77, लीविंग रिमाइंडर 7 इन ईच केस, कि हमें पहले 63, 35 एंड 77 का HCF निकालना है और फिर जो भी हमारा HCF आएगा उसमें हम क्या कर देंगे, 7 को ऐड कर देंगे. फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज़ 8 लेस देन कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 57, 76 एंड 190. तो हम क्या करेंगे, लीस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है, लेस स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है, LCM फाइंड करेंगे हम इसमें. तो हम 57, 76 और 190 का LCM फाइंड करेंगे और फिर जो भी हमारा नंबर आएगा उस वो क्या होना चाहिए, लेस देन 8 होना चाहिए, 8 लेस देन होना चाहिए, तो LCM में से हम क्या माइनस कर देंगे, 8. सेवन्थ क्वेश्चन, फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ चॉकलेट्स अ टीचर शुड हैव सो दैट व्हेन ही डिस्ट्रीब्यूट 10, 15 एंड 25 स्टूडेंट इक्वली, नो चॉकलेट लेफ्ट. तो हम क्या करेंगे इसमें, LCM फाइंड करेंगे. तो LCM जो हमारा आएगा उतनी चॉकलेट्स टीचर के पास होनी चाहिए, कि टीचर के पास कितनी चॉकलेट होनी चाहिए कि वो 10, 15 और 25 स्टूडेंट में इक्वली उनको डिस्ट्रीब्यूट करें और कोई चॉकलेट पीछे से ना बचे. तो हम निकालेंगे इसमें LCM और जो LCM होगा वही हमारा आंसर होगा. इन विच कंडीशन द LCM ऑफ टू नंबर्स इज वन ऑफ द नंबर्स, गिव एन एग्जाम्पल, कि वो कौन सी कंडीशन होती है जब LCM होता है जो दो नंबर का, वो उन दोनों में से कोई एक नंबर आता है. तो स्टूडेंट्स वो कौन सी कंडीशन है, तो इफ़ वन नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ द अदर, अगर एक नंबर है जैसे 8 और 16, तो 16 हमारा 8 का मल्टीपल है ना, तो अगर दोनों में से एक नंबर मल्टीपल होगा तो जो ग्रेटर नंबर होगा वो क्या होगा हमारा, LCM. जैसे 8 और 16 है, हम 8 और 16 का हमने LCM निकाला तो हमारे पास आया 16. तो देखो ये देखो 16 है वो 8 का मल्टीपल है, तो इसका LCM क्या आया, 16. तो वो क्या है, एक ग्रेटेस्ट नंबर. तो अगर जो नंबर्स हैं वो मल्टीपल्स होता है, छोटा नंबर होता है, उन दोनों में से एक नंबर मल्टीपल होगा, तो जो बड़े वाला ग्रेटर नंबर होगा वो हमारा क्या आएगा, LCM. और इन विच कंडीशन द HCF ऑफ टू नंबर्स इज वन ऑफ देम, और कौन सी कंडीशन है कि दो नंबर्स दिए गए हैं उनमें से दोनों में से एक नंबर HCF होगा, LCM का बिल्कुल अपोजिट. इफ वन नंबर इज फैक्टर ऑफ द अदर नंबर, अदर पहले क्या था, मल्टीपल, लेकिन इसमें क्या होना चाहिए, फैक्टर. अगर एक नंबर दूसरे नंबर का फैक्टर है तो द स्मॉलर नंबर इज द HCF ऑफ द टू नंबर्स, जो स्मॉलर नंबर होगा वो हमारा क्या होगा, HCF. जैसे 8 का फैक्टर 4 होता है ना, तो 4 इज द फैक्टर ऑफ 8, तो हम इसका HCF निकालेंगे तो वो भी हमारा क्या आएगा, 4, जो कि क्या है, एक हमारा स्मॉलेस्ट नंबर. क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द लीस्ट नंबर विच वैन इंक्रीज बाय 9 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 10, 12 एंड 15 एंड 24, कि वो नंबर हमें फाइंड करना है, एक नंबर फाइंड करना है जिसमें हम अगर 9 ऐड करेंगे तो वो क्या होगा, इन सब से डिवाइड हो जाएगा. अब देखो इन सब से तो वही नंबर डिवाइड होगा जो इनका LCM होगा, लेकिन हमें तो वो नंबर 9 कम चाहिए, तो जो LCM आएगा हमारा उसमें से हम 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो नंबर आएगा वो हमारा आंसर होगा. देखिए LCM ऑफ 10, 12, 15 एंड 24 LCM फाइंड करेंगे, वो आएगा हमारा 120. तो नंबर क्या था, क्या होना चाहिए, वो 9 लेस होना चाहिए ना, तो हमने 9 लेस किया, मतलब जो हमारे पास नंबर होगा उसमें हम 9 इंक्रीज करेंगे, मतलब नंबर में हमें 9 इंक्रीज करना है तब वो LCM के इक्वल आएगा. तो हम 9 को इधर माइनस करेंगे तो LCM में से हम 9 माइनस करेंगे तो 111. तो 111 वो नंबर है जिसमें अगर हम 9 ऐड करते हैं तो ये तीनों नंबर्स उस नंबर को डिवाइड कर देंगे. आई होप आपको एक्सरसाइज समझ में आई होगी. थैंक यू, हैव अ नाइस डे.